हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3.11। तो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑब्टेंड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a + b गिव्स c + d। क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो, इसके लिए हमको रेट लॉ और रेट कांस्टेंट यानी k का वैल्यू और रेट लॉ ये हमको डिटरमाइन करना है। आपको ये टेबल बना कर दिया है, ठीक है, जहां पे चार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ए का कंसंट्रेशन, बी का, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इनिशियल रेट दिया है ए और बी का, तुमको क्या दिया है, कंसंट्रेशन दिया है। इन्हीं के टेबल के मदद से हमको क्या करना होगा, रेट लॉ और रेट कॉन्स्टेंट के वैल्यू निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, देखो रेट लॉ लिखने आना चाहिए। तो रेट लॉ कैसे लिखते हो, आर इक्वल टू के, देखो रिएक्टेंट के सम पावर लगाते हैं तो ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या लगा लो, वाई लगा लो, ठीक है, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दो लिखा है तो दो का स्क्वायर, अब बी लिखा है तो यहाँ पे पहले वन है तो वन कर ले, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इनका वैल्यू आ सकता है, इनके मदद से अगर निकालो हो सकता है कि एक्स बराबर दो वाई बराबर एक आ जाए, वो महत्व एक संयोग होगा, ठीक है। अब देखो, हमको इस वाले से हमको एक इक्वेशन यहां से बनाना होगा, ठीक है। देखो x और y दो अननोन है तो हमको दो क्या चाहिए, इक्वेशन भी चाहिए। अब इसमें से ऐसा इक्वेशन उठाओ, तुम ऐसे दो एक्सपेरिमेंट को उठाओ जहां पर दो डाटा सेम हो। जैसे अगर इन दोनों डाटा को उठाओगे ना तो x वाला टर्म क्या होगा, कट जाएगा जब डिवाइड करोगे, और अगर 0.1 वाले को उठाओगे तो फिर देखो y वाला कट जाएगा, ठीक है। तो पहले हम x वाले का कुछ हिसाब किताब कर लेते हैं। तो रेट देखो कितना दिया, 7.2, तो दिया है 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 के। ए का वैल्यू दिया है 0.3 के पावर एक्स, बी का वैल्यू दिया है 0.2 के पावर वाई। उसी तरीके से यहां पर देखो दिया है के का वैल्यू 2.88 10 के पावर माइनस 1 के, एक्स का वैल्यू दिया 3 के पावर एक्स, और इसका वैल्यू दिया 0.4 के पावर वाई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो मिलेगा 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, इधर दिया है 2.88 इंटू 10 के पावर माइनस 1। के से के खत्म हो जाएगा, 0.3 की पावर एक्स से 0.3 की पावर एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, 0.2 बाई 0.4 के पावर क्या बचेगा, वाई। समझ में आ रहा है भाई, जब भी डिवाइड करोगे तो सेम सेम क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, यही तो बचेगा। अब देखो 10 की पावर माइनस 1 है, ऊपर भेजो तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7.2 इसको ऊपर लेके जाओगे ना तो 1 खत्म होगा, तो बचेगा क्या, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, या नीचे होगा 2.88। ये 2/4 काट दो, 2 होगा यानी 1/2 के पावर कितना हो गया, वाई हुआ। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे देखो कितना होगा, 0.72 हो जाएगा ना, एक डेसिमल और इधर शिफ्ट कर लो, ये हो गया 2.88 1/2 के पावर वाई। सेम प्लेस पे डेसिमल है तो डेसिमल हट जाएगा तुम्हारा, तो यहां से देखो क्या होगा, 72/288 बराबर 1/2 के पावर हो जाएगा वाई। अब देखो 72 × 4 × 8 4/7 = 28, यानी 4 बार में कट रहा है ये। 72 से इसको काटोगे 72 × 1 = 72 × 4 = 288, ये दिखाई दे रहा है, एक बार देख लें, चलो ठीक है आ रहा है कैमरे में, यानी 1/4 है। तो यहां से तुमको मिलेगा 1/4 को तुम लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 1/2 के पावर वाई, तो यहां से मिलेगा y = 2। कंपेयर कर लो, बेस सेम होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा सेम। कितना समझ में आया है, कॉपी करें। अभी हम b का वैल्यू, x का वैल्यू निकालने वाले हैं, चलो ठीक है आ रहा है कैमरे में, तो y = 2 आया। अब भाई सब हम किसका हिसाब करने जा रहे हैं, x का। तो ऐसा एक्सप्रेशन इसमें से बनाएंगे कि y वाला टर्म कट जाए, उसके लिए तुम देखो जहां पर y इक्वल हो तो इन्हीं दोनों में y इक्वल है तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आ रहा बात समझ में,
चलो बहुत बढ़िया। देखो अब यहां से मिलेगा पहला 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3, ये 0.1 के पावर x हो जाएगा, अब b पे भी 0.1 के पावर y हो जाएगा। अब यहां से चौथा वाला है ना, तो ये है तुम्हारा, देखो सीधा बट्टे में लिख रहा है 2.40 इंटू 10 के पावर माइनस 2, यहाँ k भी रहेगा, 0.4 है, 0.4 के पावर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे होगा 0.1 के पावर y। जो दोनों वैल्यू सेम है उनको अब क्या करें, कैंसिल कर दें। देखो a वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 10 के पावर माइनस 3 है, 10 के पावर माइनस 2 है, तो ऊपर एक और बचेगा, तो देखो क्या होगा, 0.6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.4। जीरो को लिख नहीं रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि सेम प्लेस पे डेसिमल हो गया, हट जाएगा ए वाला। देखो के से के कट गया, यानी 1/4 के पावर कितना हो गया, ये एक्स हो गया। यहां से इसको काटोगे ना, सेम प्लेस पे डेसिमल हट जाएगा, 6 + 6 = 24, यानी 1/4 बराबर आ रहा है 1/4 के पावर एक्स, और यहां से भी इसका पावर कितना हो जाएगा 1। तो कंपेयर करोगे तो बेटा एक्स का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। कैलकुलेशन समझ में आया है, पॉइंट माइनस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस 1 होगा, फिर इधर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 0.6 होगा, दोनों सेम प्लेस पे है तो डेसिमल हट जाएगा, यानी होगा 6 × 24 1/4। अब कंपेयर करेंगे बेस सेम तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी हमारे पास जो आया रेट लॉ जो आया वो देखो क्या आया, r = k, एक्स का वैल्यू 1 तो a के पावर 1 हो जाएगा, अब b के पावर क्या हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा रेट लॉ। तो अब हमको बताना है रेट कांस्टेंट k का वैल्यू क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट k के लिए तुम कोई एक टेबल उठाओ, वहां से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो रेट लॉ कांस्टेंट, रेट लॉस तो निकल गया, अब हम रेट कांस्टेंट k का वैल्यू निकाल लें। देखो अब हमको k का वैल्यू चाहिए, तो बताओ k इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से देखो r a के पावर कितना है 1 और b का क्या है होल स्क्वायर, कोई एक उठा लो, चलो सपोज हम इसको उठा लेते हैं, तो r का वैल्यू कितना है 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, a का वैल्यू कितना 0.3 के पावर कितना हो जाएगा 1, और जो b का वैल्यू 0.2 है, 0.2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेम प्लेस पे डेसिमल, सेम प्लेस पे डेसिमल, ई वाला तो डेसिमल हटा खत्म हो जाएगा, यानी 72 हुआ। यहां से देखो जब इसको स्क्वायर करोगे ना, तो ये 2 × 10 के पावर माइनस 1 होगा, यानी पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ के पावर से 10 के पावर माइनस 2 और 10 के पावर माइनस 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 × 2 = 4, तो नीचे कितना होगा, ये 2 ये हो गया, ये 3 है और ये हो गया 4, तो 4 × 3 = 12, 12 से काटो 12 × 6 = 72, 6 आया। एक बार आंसर चेक कर ले, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहां से देखो इसका यूनिट भी तुम निकाल सकते हो, देखो यहां से जो रेट का यूनिट है, रेट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया है, तो देखो क्या लिखो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, नीचे देखो क्या होगा, यही होगा मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, और यहां पर इसी का स्क्वायर हो गया, तो यहां पर देखो क्या होगा, मोल का स्क्वायर होगा लीटर पे माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले मोल वाले से ही वाला मोल तो खत्म हो जाएगा, अब ये वाला मोल ऊपर चला जाएगा, यानी 6 का वैल्यू जो आ रहा है मोल पे माइनस 2 होगा, लीटर तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड पे माइनस 1 होगा, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो रेट कांस्टेंट के एक वैल्यू आएगा 6 मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1, क्लियर होता है। अब इसको कॉपी करें, जब भी आपको यूनिट निकालना हो तो यहां पर आर का यूनिट देख लो,
ए और बी का यूनिट क्या दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।